आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए महापौर का अभियान 2 अप्रैल से शुरू हो गया। इस अभियान में हर वर्ग का समर्थन महापौर को मिलता दिखा। लोग गाजे बाजे के साथ महापौर के मौन व्रत को समर्थन देने के लिए पहुंचे। प्रदूषण के खिलाफ महापौर का जन जागरण अभियान शुरू हो चुका है। वे यहाँ स्पीड कलर लैब के सामने राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और विधायकों के साथ मौन व्रत पर बैठे हैं। इसके साथ ही यहाँ नुक्कड़ नाटक के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस महाअभियान से शहर की जनता को भी जोड़ा गया है। शहर की जनता ढोल तांसे के साथ इस महाअभियान में शरीक होने के लिए पहुंच रही है। ये महाअभियान 2 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। इस महाअभियान के तहत महापौर शहर की जनता को जागरूक करेंगे, इसके साथ ही हर आगराइट्स को इस महाअभियान से जोड़ेंगे, क्योंकि आगरा की आबोहवा बेहद ही खराब हो चुकी है। आगरा देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। आगरा में पर्यटक आते हैं, लेकिन प्रदूषण के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या भी कम रहती है, जिसके चलते महापौर ने ये बीड़ा उठाया है। क्योंकि लगभग 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान महापौर नवीन जैन ने आगरा की सूरत और सीरत बदलने का जो संकल्प लिया था, उसका ये अहम हिस्सा माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मौन व्रत और उपवास कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों नागरिक यहाँ शामिल हैं। ये महापौर का मौन व्रत सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद लोगों को यहाँ पर्यावरण की शपथ दिलाई जाएगी। स्पीड कलर लैब से अपने साथी राहुल साहब के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।